आज की क्लास में हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान के बालाजी प्रकाशन में जो विद्युत चालन नाम के चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा था, उसके नेक्स्ट वीडियो में आज हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, 0.24 सेमी व्यास का एक एल्यूमिनियम का तार 0.16 सेमी व्यास के तांबे के तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसमें 10 एम्पियर की धारा है, ज्ञात कीजिए एल्यूमिनियम के तार में धारा घनत्व, और बी नंबर में ज्ञात करना है तांबे के तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग, जबकि दिया गया तांबे के तार तांबे के प्रति घन मीटर आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8.4×10^28। ठीक है, तो हमको दिया गया एल्यूमिनियम के तार के लिए, तो एल्यूमिनियम के तार के लिए क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है D1 का मान 0.24 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर यहाँ से हम त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी होती है, तो कितना बचेगा, ये आधा यानी 0.12 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने जाएंगे, -10^-2 से गुणा, आप दशमलव को 2 अंक और पीछे ले जाएंगे तो 12×10^-4 हो जाएगा मीटर, ये त्रिज्या हो गई। अब आगे कापर के तार का बाद में देखेंगे, और विद्युत धारा दी गई है इसमें तार में कितने एम्पियर की बह रही है, 10 एम्पियर की। अब हमको निकालना क्या है, धारा घनत्व, धारा घनत्व का मान क्या होता है, J बराबर होता है I/K, A यानी वृत्ताकार भाग ही तो होता है, इसी में से विद्युत धारा जाती है, और वृत्ताकार भाग की त्रिज्या भी दी गई है, I का मान 10 है, A का मान कितना आएगा, πr² होता है, क्योंकि इसकी त्रिज्या R1 है, तो R1² 10^π की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, R1 का स्क्वायर करेंगे तो 12/144, ठीक है ना, और गुणा में कितना होगा, 10^-8, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो सब 2-2 हो जाएंगे, ठीक है। अब 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा, 10^-8 है, ऊपर जाएगा +8 हो जाएगा, तो ऊपर +8 और 7 दाम में 70 होता है, और नीचे कितना आया, 22/144, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे अगर जो यहाँ से, तो आंसर कितना आएगा, यहाँ से हम 2 जीरो कम कर रहे हैं, 2 जीरो यहाँ से कम करके यहाँ पर ले जाएंगे तो ये 7000 हो जाएगा, और इधर 10^6, और ये 12/144। अब इसे कैंसिल करेंगे, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 से 12 होता है, इसे काटेंगे तो 4×4 इधर आ जाएगा, या हम 7 को अलग कर रहे हैं, 7000 को क्या लिखेंगे, 7000 को लिख सकते हैं 7×1000, ठीक है ना, आप काटने में भी आसानी होगी, तो 4 से काटेंगे तो फिर 25×4 कितना होता है, 100 होता है, और 4×0 अब क्या करेंगे, फिर से इसे काटेंगे 2 से काटेंगे तो ये कितना बचेगा, 72, और ये इस ऊपर बचेगा 125, गुणा कराएंगे तो 7×25 और 62×84 और 3×87 875×10^6 ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा, 6 और 2×3×21 3×2=21 216। अगर इसे कैंसिल करेंगे पूरा का पूरा तो ये कितना आएगा, 2.2 लगभग आएगा × 10^6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, मात्रक होता है जी, ठीक है ना। अब इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, कापर का कोई पार्ट, कापर है ना, तार है, और उसके लिए व्यास दिया गया है यानी D2, 0.16 कितना दिया गया है, 16 सेमी, व्यास से हम त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो इसका आधा 0.08 सेमी हो जाएगा, मीटर में बदलेंगे तो 0.08×10^-2 मीटर हो जाएगा, और दशमलव को 2 अंक और पीछे ले जाएंगे, पीछे r है माइनस का, तो 8×10^-4 हो जाएगा, तो यहाँ के माइनस, 2 यहाँ के 4। आगे दिया गया है एकांत आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, इसके I तो दिया ही गया है 10 एम्पियर, क्योंकि श्रेणी क्रम की बात हो रही है तो धारा समान रहेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है 8.4×10^28। हमको अनुगमन वेग निकालना है, VD बराबर क्या होता है, I/NEA,
आई बराबर एन ई ए वी डी होता है उसी सूत्र से। आई का मान 10, एन का मान दिया गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8.4×10^28, ई का मान एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6×10^-19। और अब आगे हमको ए की वैल्यू देखिए, ए क्या है होता है वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या आर होती है। पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर करेंगे, आर का मान कितना है 8×10^8, 8×64 हो जाएगा, 10^-4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, स्क्वायर करेंगे 7×7, दशमलव हटाएंगे 10, फिर दशमलव हटाएंगे फिर 10, और यहाँ पर कितना कटेगा 12×7=84, फिर 4×4=16 होता है, फिर 4 से काटेंगे 25×6=100 और 10। अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर 2 से काटेंगे 2×2=4 और ये कितना बचा 125। अब यहाँ से हल करेंगे तो ये कितना है 19 माइनस का और यहाँ पर 8 माइनस के, तो टोटल कितने हो गए 27 माइनस के, और कितने बचेंगे 125 ऊपर और नीचे 12×2=24 और गुणा में कितना है ये वाला 22×64 का, 22×64 कितना होता है 88, कैरी आया 1 और 22 को 6 से गुणा कराएंगे तो 22×66=132 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 140, ठीक है ना, और गुणे में कितना बचेगा 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर हम इसका भाग करो, इसे 5×10 25, तो ऊपर 25 आ गया और नीचे कितना हो गया 2 से गुणा करो टोटल 2×8=16, 2×0=1 यहाँ से 14×2=28 और गुणे में कितना है 24, ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 का नीचे सबसे पहले गुणा करा देंगे, ठीक है, तो ये टोटल जो है हमारा आंसर गुणा कराएंगे तो ये टोटल का टोटल बनेगा 3.7×10^-4, वेग है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, माइनस का चार भी मारा, क्योंकि 25 छोटा और नीचे ज्यादा वैल्यू है, तो 10 प्लस का बढ़ाएंगे तो 10 किसका बढ़ाएंगे माइनस का, फिर 20 प्लस का बढ़ाए 2 माइनस का, 30 प्लस का बढ़ाए 3 माइनस का, ठीक है ना। अभी गुणा कराएंगे तो बड़ी संख्या जाएगी, तो टोटल कितने 0 प्लस के बढ़ाए जाते हैं 4, तो 4 ही 0 किसके बढ़ाए जाएंगे माइनस के। अगर इसे कैंसिल करना होगा तो कैंसिल करके ये वैल्यू हम ला सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे का, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, दो तारों ए व बी जिनमें प्रत्येक की लंबाई 40 मीटर, परिच्छेद क्षेत्रफल 10^-7 मीटर स्क्वायर है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा इस संयुक्त तार के सिरों के बीच 60 वोल्ट का विभवांतर लगा है, इनके प्रतिरोध क्रमशः 40 ओम तथा 20 ओम है, प्रत्येक तार के लिए विशिष्ट प्रतिरोध, विद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। तो ये हमको निकालना है, तो हमने मान लिया दो तार है, एक तार ए और दूसरा बी है, तार ए है उसके परिच्छेद का क्षेत्रफल A1 और लंबाई L1, बी वाले का मान लिया परिच्छेद क्षेत्रफल A2 और लंबाई L2, क्योंकि दोनों की लंबाइयां और परिच्छेद क्षेत्रफल समान है, तो L1 भी 40 है और L2 भी 40 मीटर है और क्षेत्रफल भी समान है, तो 10^-7 मीटर स्क्वायर ये भी हो गई, ठीक है। और पहले तार का प्रतिरोध किससे, जब हम तार के रूप में दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तार के साथ एक तारों को एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो पहले तार का प्रतिरोध 40 ओम, दूसरे का कितना है 20 ओम का है, ठीक है। और इन दोनों के संयोजन को कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है 60, तो 60 वोल्ट की बैटरी से जब जोड़ेंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगी, और ये श्रेणी क्रम में है तो धारा सब में क्या जाएगी समान। तो सबसे पहले क्या निकालना है, तार ए के लिए, कौन से तार, ए तार के लिए, तार ए के लिए हमने मान लिया सूत्र क्या पढ़ा, विशिष्ट प्रतिरोध का 2/RA/L, तो पहले तार के लिए रो 1 हो जाएगा, रो ए रख सकते हैं, प्रतिरोध है R1, परिच्छेद क्षेत्रफल A1 और लंबाई L1, तो हल करेंगे तो यहाँ से R1 कितना दिया गया, देखो पहले तार के लिए प्रतिरोध कितना है 40,
और दूसरे तार का प्रतिरोध कितना है 20 ओम। तो ये 40 गुणा परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है 10 गुणे 10 इधर माइनस 7 L1 कितना दिया गया ये भी 40 40 40 कैंसिल रो 1 का मान आ जाएगा 10 की घात माइनस 7 ओम मीटर। ये पहले तार यानी तार ए के लिए आ गया विशिष्ट प्रतिरोध। अब दूसरे तार के लिए निकालना है कौन सा तार दूसरा था तार बी था बी तार के लिए तो बी तार के लिए क्या होगा सबसे पहला नंबर है विशिष्ट प्रतिरोध पहला नंबर है विशिष्ट प्रतिरोध तो रो टू बराबर क्या हो जाएगा प्रतिरोध आर टू है परिच्छेद क्षेत्रफल ए टू और लंबाई क्या है दूसरे वाले की ए टू रो टू बराबर आर टू कितना है आर टू है 20 ए का मान कितना 10 की घात माइनस 7 एल टू का मान कितना है 40 कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आएगा 2 एक बटे 2 एक बटा दो यानी रो टू बराबर हम कह सकते हैं एक बटा दो गुणे 10 की घात माइनस 7 ओम मीटर होगा। अब इसे हम एक गुणे 10 5 गुणे 10 की घात माइनस 7 भी कर सकते हैं यहाँ माइनस का एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ प्लस का एक जीरो बढ़ जाएगा तो कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस 8 ओम मीटर एक माइनस एक प्लस प्लस का बढ़ाएंगे तो 5 को एकदम दो पंची प्लस हो जाएगा। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया सेकंड क्या कह रहा है विद्युत क्षेत्र निकालना है विद्युत क्षेत्र तो विद्युत क्षेत्र के लिए हमको बताइए किस क्रम में जुड़े श्रेणी क्रम के लिए तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो ये ए है ये बी है ये मान लेंगे बिंदु क्या है सी ए और बी क्योंकि तार ए की बात हो रही है तो इसकी वोल्टता क्या होगी बी ए बी और सी की वोल्टता क्या हो जाएगी बी क्योंकि बी तार की बात हो रही है बी हो जाएगा। श्रेणी क्रम में अलग अलग बिंदु होते हैं तो अलग अलग बिंदुओं के अलग अलग वोल्टेज होंगे ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे वोल्टेज वोल्टेज निकाल करके हम निकाल सकते हैं हाँ कि ए और बी के बीच हमने मान लिया विद्युत क्षेत्र कितना है E1 और बी और सी के बीच विद्युत क्षेत्र मान लिया क्या है V2 कितनी लंबाई के लिए लगा हुआ विद्युत क्षेत्र L1 लंबाई के लिए लगा है कितना लगा हुआ देखो BA बराबर कह सकते हैं VA बराबर या E बराबर E1 बराबर कितनी लंबाई के लिए वोल्टेज है देखो वोल्टेज कितना है VA कितनी लंबाई के लिए है L1 भाई हमने सूत्र पढ़ा है E बराबर V अपान D विद्युत क्षेत्र बराबर विभवांतर बटा दूरी चालक की लंबाई या V अपान L इसी पार का देख लेते हैं ठीक है। तो VA हमको निकालना है ऐसे ही E2 का मान निकालने जाएंगे तो E2 बराबर क्या हो जाएगा E2 बराबर हो जाएगा VB वोल्टेज V के ऊपर और बटे लंबाई कितनी है दूसरे वाले तार की लंबाई कितनी है L2 तो VA और VB निकालना है हमको ठीक है। तो VA और VB निकालने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर सूत्र लगाते हैं सबसे पहले हमको पता है कि जो R1 और R2 है वो किस क्रम में है R1 व R2 श्रेणी क्रम में R1 व R2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा तुल्य प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 होता है डायरेक्ट तुल्य तो R1 कितना है 40 R2 कितना है 20 तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा 60। अब धारा निकाल लेंगे अगर जो तो I बराबर क्या था V अपान R तो वोल्टेज कितना है टोटल 60 टोटल प्रतिरोध कितना आया है 60 60 से 60 कैंसिल धारा कितने एम्पियर आ गई तो अब VA बराबर निकालेंगे तो VA के लिए धारा कितनी जा रही है I प्रतिरोध कितना है R1 I का मान 1 R1 का मान कितना दिया गया 40 तो VA कितना आ जाएगा 40 वोल्ट ऐसे ही VB के लिए निकालेंगे तो धारा VB में भी कितनी जाएगी I श्रेणी क्रम में है और प्रतिरोध कितना है R2 तो I का मान 1 ही आया है और R2 का मान कितना है 20 और हल करेंगे तो 20 वोल्ट तो VA VB का मान निकल आया है। अब हम विद्युत क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान देखो कहाँ पर यहाँ पर है तो सबसे पहले यहाँ से हल करेंगे और फिर इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे
तो VA का मान देखो कितना आया है 40, लंबाई कितनी है देखो L1, L1 का मान कितना है 40, 40 बटा 40 कितना आएगा 1, वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक और दूरी का मात्रक मीटर। यहाँ VB का मान देखो कितना है 20, L2 का मान कितना दिया गया था 40, हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, विभवांतर का मात्रक वोल्ट और दूरी का मात्रक मीटर। ये दूसरा वाला हो गया। अब तीसरे वाले में हमको क्या निकालना है, धारा घनत्व। क्या निकालना है हमको, धारा घनत्व। जो तीसरा पार्ट है उसमें निकालना है J1 और J2 का मान, यानी धारा घनत्व का मान चाहिए हमको। तो J1 के लिए धारा कितनी जाएगी, I1, प्रत्येक चालक में धारा I ही जाएगी, और बटा J बराबर हमने सूत्र क्या पढ़ा, I/A। पहले चालक के लिए धारा भी आई जाएगी क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और इसकी परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है A1, नीचे क्षेत्रफल। I का मान कितना आया है 1 और क्षेत्रफल कितना है 10^-7, तो 10^-7 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो J1 = 1/10^+7 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब J2 का मान निकालेंगे तो फिर J2 के लिए भी चालक में कितनी धारा जा रही, J2 यानी दूसरे चालक में कितनी जा रही I, क्षेत्रफल दूसरे चालक का कितना माना गया है A2, तो I का मान 1 है और A2 का मान भी कितना दिया गया 10^-7, तो J2 बराबर निकालेंगे तो 1 के साथ माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या बन जाएगा आंसर, J1 और J2 समान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें कोई एक तार दिया गया है जिसका प्रतिरोध 10 ओम का है, ठीक है, और इस तार को हम खींच करके बताया गया है पतला कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है पतला, और पतला करके इसकी लंबाई को कितने गुनी कर दी जाती है 3 गुनी, तो पहले से थी 3 गुनी और कर दी गई। अब बताना इसका प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है ना। तो अगर किसी तार की लंबाई को खींच करके n गुनी कर दी जाए तो इसका नया प्रतिरोध हो जाएगा n²×R। कोई भी तार है अगर उसकी लंबाई को खींच करके n गुनी कर दी जाए तो नए तार का प्रतिरोध हो जाएगा R′ = n²×R। लंबाई समान रहती है, ये पिछले वाले का ही डेरिवेशन है। यहाँ से n का मान कितने गुना किया गया 3, तो 3² × प्रतिरोध कितना दिया गया 10, तो 3×9 × 10 बराबर कितना हो जाएगा 90 ओम, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है, नए तार का प्रतिरोध कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा ये हमको बताना है। तो एक मोटा कोई तार है, मान लिया इस समय इसकी लंबाई L1 है, ठीक है, इसे खींच करके 25% इसी का हिस्सा, इसी का 25% बढ़ाएंगे, इस समय इसका क्षेत्रफल कितना परिच्छेद A1। अगर जब खींचेंगे तो तार भी क्या हो जाएगा पतला, तार पतला हो जाएगा यानी उसका एरिया क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा कम। अब इसकी लंबाई कितनी हो गई L2 और एरिया कितना बन जाएगा A2। अब हमको पता लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन आयतन क्या रहने वाला है सेम, आयतन क्या होगा समान रहेगा, आयतन क्या रहेगा समान, क्योंकि जितना पहले था वस्तु में जो जो चीजें पहले थी उतनी ही चीजें बाद में, कोई भी मतलब अलग से कुछ जुड़ा नहीं है और ना ही अलग से कुछ तोड़ा गया है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया गया, तो आयतन समान रहता है। तो मान लिया पहले वाले का आयतन V1, दूसरे वाले का V2। आयतन क्या होता है V बराबर हमने सूत्र पढ़ाया था लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई, ये होता है। तो लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई, और लंबाई × चौड़ाई किसके बराबर होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हो गया। ऊंचाई देखो, ऊंचाई समय इसकी कितनी L1, तो एरिया × हाइट, हाइट कितनी है इस समय इसकी L1,
एरिया कितना है A1 और हाइट कितनी है L1। ऐसे इसकी बात की जाए कि एरिया कितना है इसका A2 और हाइट कितनी है L2। तो यहां से हम निकालेंगे A1 बटा A2 का मान। A2 को नीचे लाएंगे और इधर से किसको नीचे लाएंगे L1 को, तो ये हो जाएगा L2 अपान L1। इक्वेशन नंबर क्या बना देंगे फर्स्ट। और क्या समान रहता है घनत्व, हमने पढ़ाया अभी तक घनत्व, तो वो घनत्व कह रहे हैं प्रतिरोधकता, क्या समान रहती है प्रतिरोधकता यानी रो प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध, ये भी क्या रहता है समान समान रहेगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये धातु पर निर्भर करता है, एक ही धातु के दो अगर तार बनाए जाते हैं तो उनके विशिष्ट प्रतिरोध समान लेकिन प्रतिरोध अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो मान लिया पहले वाले तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो वन है और दूसरे वाले का कितना है रो टू, और रो बराबर क्या पढ़ा गया है आर ए अपान एल। पहले वाले तार का प्रतिरोध आर वन है और दूसरे वाले तार का प्रतिरोध आर टू, क्यों है क्योंकि लंबाई बढ़ रही है तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो रो वन बराबर रो वन के लिए प्रतिरोध आर आर वन हो जाएगा, पहले वाले के लिए प्रतिरोध आर वन क्षेत्रफल ए वन और लंबाई एल वन, दूसरे वाले के लिए प्रतिरोध क्या है आर टू क्षेत्रफल ए टू और लंबाई एल टू। अब यहाँ से हमको आर टू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो आर टू की वैल्यू निकालने के लिए एल टू ऊपर चला जाएगा और ए वन ए टू कहाँ आ जाएगा नीचे, तो R2 बराबर करेंगे तो R1 गुणा L2 कहाँ चला जाएगा ऊपर और A2 कहाँ जाएगा नीचे, तो A वाले के बटे में A वाला और L2 चला जाएगा ऊपर और L1 आ जाएगा नीचे L वाले के बटे में L1। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा R1 गुणा A1 बटा A2, कितना देखो बराबर L2 बटा L1 के बराबर है और बुढ़े में इधर कितना है L2 बटा L1 और ये क्या बन जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। तो R2 बराबर निकालेंगे तो R1 ब्रैकेट में L2 अपान L1 का होल स्क्वायर। अब L2 और L1 का मान निकाल लेंगे तो L2 बराबर देखो L1 क्या है पहले तार प्रारंभिक लंबाई, L2 L1 क्या है प्रारंभिक लंबाई, कौन सी लंबाई है प्रारंभिक, इसे हम क्या मान लेंगे L, और L2 कितना बढ़ गया है L2 देखो L2 L1 से कितना परसेंट बढ़ाया गया 25%। तो L2 बराबर L1 तो पहले थे ही थी लेकिन L1 का 25% और बढ़ा दिया गया, L1 का कितने परसेंट बढ़ाया गया है 25%, L1 तो बनी ही बनी है बढ़ाया और कितना गया L1 का ही 25%। L1 बराबर कितना मान लिया गया है L प्लस L1 L गुणा का मतलब गुणा L1 का 25% मतलब बटा 100, तो 25 चौके 100, तो 4 एकम 4 और कितने L है ऊपर बचे हैं 1, 4 एकम 4 और 1 L जोड़ेंगे तो 5L बटा L, ये किसकी वैल्यू आ गई 5L बटा 4, ये किसकी वैल्यू आ गई है L2 की। यहाँ पर रखेंगे तो R1 गुणा L2 का मान कितना आया 5L बटा 4, नीचे L1 L1 कितने के बराबर है L, L से हो जाएगा कैंसिल ऊपर हो जाएगा R1 गुणा 50 कितना हो गई 25 और 4 चौक 16, किसकी वैल्यू आ गई है R2। तो सबसे पहले हम प्रतिशत निकालना है तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिरोध कितना बढ़ा है तो अंतर कितना आया है, अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं R2 माइनस R1 करेंगे, प्रारंभिक वाला मान घटा देंगे, R2 कितना आया है 25 R1 बटा 16 माइनस R1, तो हल करेंगे तो 16 एकम 16 घटेगा कितना बचेगा 25 से 16 घटेगा तो 25 R1 और माइनस का 16 R1 और नीचे कितना है 16, इसके नीचे एक लिख दो 16 एकम 16 25 एकम 25 माइनस माइनस 16 एकम 16 घटाएंगे ऊपर कितने आ बचे 9 R1 बटा 16, ये क्या आ गया डेल्टा यानी अंतर। अब क्या निकालना है प्रतिशत,
क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। किसका? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का प्रतिशत, प्रतिरोध कितने प्रतिशत बढ़ेगा, तो प्रतिशत बराबर क्या होता है? प्राप्तांक, कितना प्राप्त हो रहा है? डेल्टा बटे पूर्णांक। पूर्णांक कितना था? पहले वाला जो आर वन था वही पूर्णांक होता है, प्रारंभिक मान। और गुणा कितना होता है? 100। तो डेल्टा आर कितना आया है? 9 R1/16। और नीचे कितने आर वन है? आर वन, और आर वन आर वन पेंसिल। गुणा कितना है? 100। तो 9/16 × 100 करेंगे, 4 × 16 = 25 और 25 × 9 = 225 बटे में कितना है? 4। घटा भाग कराएंगे तो 4 × 4 = 4, 5 = 20 तो इधर आ जाएगा 25 हो गया, 4 × 6 = 24 एक बचा दशमलव लगा 0, 4 × 2 = 8 दो बचा है 10 से 8 जाएगा 2 बचेगा 4 × 5 तो इतने प्रतिशत की क्या हो जाएगी इसमें वृद्धि। किसके मान में? प्रतिरोध के मान में। पहले R1 था, R1 से कितना बढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 32 ओम के प्रत्येक तार को पिघला कर आधी लंबाई के तार में परिवर्तित किया जाता है। तो 32 ओम के तार को पिघला करके आधी लंबाई के तार में परिवर्तित किया जाता है। ए नंबर, तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए यानी क्या होगा, और बी नंबर, तार के प्रतिरोध में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो हमने बताया था ये क्वेश्चन नंबर 10 में इतना होगा, तो यहाँ पर R1 पहले से ही दिया गया, तार का प्रतिरोध कितने ओम? 32 ओम, और तार की लंबाई इस समय कितनी थी? L1 बराबर, जो कि क्या मानी गई थी? L। अब L2 क्या कर दिया गया है? L का कितना कर दिया गया है? आधा। L का कितना कर दिया गया है? आधा। कह सकते हो पहली लंबाई कितनी थी? L। अब कितनी हो गई? L2 बराबर L की ही आधी, पहली लंबाई की आधी लंबाई का। अब प्रतिरोध क्या होगा ये चीज हमको निकालना है। तो ये देखो यहाँ पर इतना सारा किया गया तो R2 का मान एक आया था, R2 बराबर R1 ब्रैकेट L2 अपान L1 का होल स्क्वायर। जब A1 बटा A2 बराबर L2 अपान L1 रखने गए तो था, तो R2 बराबर सूत्र क्या होता है? R1 ब्रैकेट में L2 अपान L1 का होल स्क्वायर। तो R1 कितना है? 32 गुणा L2 कितना है? देखो L अपान 2 और बटे में नीचे कितना है? L1 यानी L का होल स्क्वायर। L से L क्या हो जाएगा? कैंसिल। ऊपर कितना बचा? 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 2 का स्क्वायर 4 गुणे में कितना? 32। अगर हल करेंगे तो यहाँ से R2 की वैल्यू कितने ओम आ जाएगी? 8। काटेंगे तो फिर 8 × 6 = 32 होता है, 4 × 4 = 4। तो R2 कितने ओम हो जाए? 8। अब परिवर्तन कह रहा है कितने का आएगा, कितने प्रतिशत का क्या हुआ? परिवर्तन। तो परिवर्तन निकालेंगे, डेल्टा आर बराबर क्या पड़ा गया? R2 माइनस R1, ये तो बढ़ा गया। तो R2 कितना आया है? देखो 8, R1 कितना था? यानी ये अंतर कुल मिला करके कितना आएगा? R1 और R2 में माइनस का आएगा, लेकिन प्रतिरोध माइनस का नहीं होता, हमको मॉडुलस वैल्यू लेनी बस। तो घटाएंगे दोनों का अंतर कितना आएगा? 24। अब हमको क्या निकालना है? प्रतिशत, और प्रतिशत बराबर क्या होता है? डेल्टा आर अपान आर, जो कि पहली लंबाई थी कितनी? 32। तो डेल्टा आर कितना है? 24, और प्रारंभिक लंबाई कितनी थी? 32, और गुणा में कितना आता है? 100, क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो इसे काटेंगे 8 × 32 8 × 3 = 24 3 × 4 = 4 25 × 6 = 24। तो अगर हल करेंगे तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी? तो ये वैल्यू आ जाएगी प्रतिशत का मान, 25 × 75 प्रतिशत भी क्या हो रहा? परिवर्तन हो रहा। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, ठीक है।